डी शशांक अगेन गर्ल्स एंड बॉयज के लिए अलग पड़ेगी. डी हमें पता है इट सिग्निफाइज योर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ. हाउ मेनी एफर्ट्स आर यू रेडी टू टेक फॉर योर मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ, उसके बारे में डी होता है. तो गर्ल्स के लिए हम देखेंगे दिमाग. अगेन गर्ल्स का आया तो फादर से आएगा, तो ऑब्वियसली देयर फादर कम्स इनटू द लाइट. तो दे हैव सीन देयर फादर्स फिजिकली अब्यूज देयर मदर और डिप्राइव देम ऑफ फूड. So these girls again tend to hit boys. It could be in a very friendly way, but किसी का आता है ना ऐसा कंधे पे मारना, तंपी बजाना, भले friendly way में हो, but they want to hit boys. नहीं तो उन्हें satisfaction नहीं मिलेगा. वो कहीं ना कहीं पहले से आदत होती है, जिनके parents उन्हें पहले से टोकते नहीं है, रोकते नहीं है, तो बड़े होने के बाद बहुत ज्यादा आदत हो जाती है उनके. तो they are amazing cooks. But when they get married, they will make sure they never cook what their husbands like. Again, husband se bhi abuse ka behavior aayega. Then, you know, they believe in making the opposite sex weak so that they can dominate them. Matlab yahan pe agar hum inke partner ki baat kare, they will make sure their partner falls weak and the partner, the husband has to rely on them so that they can dominate the husband. Psychology, samajh rahe ho? So here they gradually they deprive the man of food, maybe कहीं ना कहीं उसकी पसंद का ना बना के या उसको extra cholesterol दे के या उसको heart attack दे के जो भी हो, gradually the man falls weak and bedridden and mostly due to paralysis or the girl too, and the girl too might suffer bone related issues like arthritis, joint pain, chronic knee issues. कहीं ना कहीं spine पे लगना मेरी तरह, but I'm not abusive. मैंने खुद से इनवाइट किया अपनी स्पाइन इंजरी. सो यस, इन द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ देयर इज नो वन टू टेक केयर ऑफ द गर्ल बिकॉज शी आल्सो हैज बोन रिलेटेड इश्यूज. इट कुड बी एज सीवियर एज बोन कैंसर. शी हैज टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ नाउ एंड द हस्बैंड, बिकॉज हस्बैंड उसकी वजह से वीक हुआ, उसकी वजह से बेड रिडन हुआ. देखिए अभी यहाँ पे साइकोलॉजी देखिए, शशांक एंटी शशांक कैसे आता है. डैड गॉट इट फ्रॉम हिज मॉम, ही ट्रांसफर्ड इट टू हिज डॉटर. So, अभी अगर डॉटर को है तो शी मस्ट हैव समवेयर गॉट इट फ्रॉम हर ग्रैंड मदर. दिस इज द पॉइंट. द गर्ल्स ग्रैंड मॉम माइट हैव हैड द सेम ट्रेट्स एज द गर्ल. इन बॉयज ऑल द ट्रेट्स वुड बी सिमिलर एज गर्ल्स ओनली. अब्यूजिंग द ऑपोजिट सेक्स, उनको फूड डिप्राइव करना, उनको डोमिनेट करने की इच्छा रखना, मेकिंग श्योर दैट दे फॉल वीक एंड रिलाई ऑन देम सो दैट दे कैन डोमिनेट देम. हियर दे ऑल्सो वॉन्ट देयर वाइव्स टू बी फिजिकली वीक. Will purposely come home when the wife is eating food, so the wife has to only get up and serve food to the opposite person. So after that, she doesn't feel like eating food. ये होता है food deprive करना, मतलब उन्हें खाना ना देना या खाना खाने ना देना या उन्हें मारना, कुछ ना कुछ करके उन्हें weak करना. So marriage भी होती है तो physically abusive in marriage. Such boys are physically abusive in marriage. They usually have a very nice, well-built, muscular body. जिम वाली बॉडी जो हम बोलते हैं ना, लाइक ब्रॉड शोल्डर्स एंड नाइस ओवरऑल बॉडी मसल्स एंड ऑल बहुत अच्छे होते हैं. सो इन द लेटेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ अगेन दे मेक श्योर दैट दे आर वाइफ इज ऑल्सो बेड रिडन. देन दे ऑल्सो हैव इश्यूज विद देयर ओन बॉडी. देन बोथ ऑफ देम आर बेड रिडन एंड देन देयर इज नो वन टू टेक केयर ऑफ देम सो दैट दे एंड अप टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर. एंड यहाँ पे इतना ध्यान रखिए, जब बी शशांक आएगा, बोन रिलेटेड इशू है हमें पता है, तो उसमें क्या होता है, बॉयज एंड गर्ल्स में सेम है. नी पेन इज ऑलवेज द फर्स्ट साइन ऑफ डी शशांक, ऑलवेज रिमेम्बर दैट. कहीं ना कहीं बहुत माइनर चीजों से नी पेन स्टार्ट होता है, बट वो कहीं ना कहीं कभी कब बड़ी चीज ले लेता है, जहां पे नी सर्जरी की नौबत आती है, यू नेवर नो. सो इन फ्यूचर यू नीड टू वॉन्ट सच पीपल दैट मैम यू माइट हैव बोन रिलेटेड इश्यूज और मेजर बोन रिलेटेड इश्यूज इन फ्यूचर, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ बोन्स, टेक कैल्शियम सप्लीमेंट्स, गेट योर सेल्फ चेक फॉर एनी क्रॉनिक नी इंजुरी और समथिंग. और दीज पीपल माइट हैव क्रॉनिक नी इंजुरी इन फ्यूचर, जैसे कि एक्सीडेंट होना, एक्सीडेंट की वजह से नी टूट जाना, सर्जरीज होना.